कि हमारे नेता चल चुके हैं, देश में परिवर्तन होगा, ये लोग डर गया है, आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं कि 24 परिवर्तन होगा, हमारे नेता के हाथों से झंडा लहरेगा दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने बड़ा कार्ड खेला एक तरीके से। अब वो बिहार में यादवों को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद अब बिहार में भी जो सियासत है वो गर्मा गई है। इसको लेकर बिहार सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहते नजर आए कि हम लोग जात की बात नहीं करते, हम लोग जमात की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। ये भाजपा वाले कई तरीके के कार्ड खेलते हैं और खेलते रहेंगे, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। आने वाले 2024 के आम चुनाव में आप देखिएगा किस तरीके से दिल्ली में परिवर्तन होता है और हम लोग ही दिल्ली में झंडा लहराएंगे। और क्या कुछ कहते नजर आए हैं जमा खान, ये हम आपको पहले सुनाते हैं। देखिए, हम लोग जातीय लेकर नहीं चलते हैं, हम लोग उस नेता को मानते हैं, उस नेता के नेतृत्व काम करते हैं जो नेता ने सबको लेकर चलने की बात की है। बिहार के अंदर जो उन्होंने काम करके दिखाया, सबको लेकर चलने की जो तौर तरीका दुनिया को दिखाने का काम किया है, वास्तव में छिपा हुआ नहीं है। वो लोग हैं, कभी कोई कुछ कार्ड खेलते हैं, कभी कुछ कार्ड खेलते हैं, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि उनके बारे में देश जान चुका है। कब किसको बनाया उससे मेरा लेना देना नहीं है, क्योंकि वो किसी के नहीं है, ये सब जानता है, पूरा देश जान रहा है। जो दिल्ली के सरकार चल रही है, जो देश को नेतृत्व कर रहा है आज के डेट में, उस सबके साथ, देश के साथ, देश के आवाम के साथ उन्होंने धोखा दिया है। किसको कब बैठाएंगे उससे लेना देना नहीं है, जनता समझ चुकी है कि आपका टारगेट क्या है। वो उनको सिर्फ कुर्सी की अपनी लालच होती है, कुर्सी कैसे मिलेगी, कैसे किसे फोड़ना है, ये सब वो जानते हैं कलाकारी, मगर जनता जानती है, जनता उनका विचार देखी है, उनका काम देखी है देश के अंदर 9 सालों से, इसलिए जनता उनको इंतजार करी, 24 का जवाब देगी। मैं उधर नहीं जाना चाहता, तू जात धर्म जो बातें करते, मेरा नेता इस पर बात नहीं करते। मेरा नेता आदित्य कुमार जी, आप भी जानते हैं, आप जरा कोई नहीं जानता है, सबको लेकर चलने की बात करते हैं भाईचारा मोहब्बत के साथ। एक ही मांग है, नीतीश कुमार जी दिल्ली में बैठे, जनता की चाहत है कि जिस तरह से देश के प्रदेश में अलग, अपना बिहार प्रदेश अलग हर मामला में दिखाने का काम किया, या काम का तौर तरीका हो, रहने का तौर तरीका हो, हम आपस में भाईचारा बनाकर चलने का तौर तरीका हो, हमारे नेता ने दिखाने का काम किया। देश के तमाम जनता ये चाहती है कि नेतृत्व भी करें, आगे बढ़े, ताकि देश भी शांति रहे, भाईचारा के साथ विकास हो। सीएम की बात, सीएम तो हमने बनाया है, जिसको बनाया है सरकार ने बनाया है, आपसे छिपा हुआ थोड़ी है, हम लोगों ने यहाँ इतिहास रचा है। हम इससे पहले हमारे मुख्यमंत्री किसको मुख्यमंत्री बनाया आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैं उधर नहीं जाना चाहता, किसको बनाते हैं नहीं बनाते हैं कोई मेरी टिप्पणी नहीं है, क्योंकि हम लोग जात की बात की नहीं करते हैं, विकास की बात करते हैं। आज हमारे नेता को विकास के नाम से पूरा दुनिया जानती है, जात के नाम से नहीं जानती है। सबसे ज्यादा अधिकार भरते हैं आप लोग, एनवाई समीकरण उनको सबसे ज्यादा जाति का लड़ना, बीजेपी आप लोगों से ज्यादा पहले जी नहीं, बीजेपी को सब जानता है कि आदमी, ये बीजेपी के जो लोग हैं, इन लोगों का कोई सोच ऐसा नहीं है जो हमारे देश के लिए अच्छी सोच हो। आज जो बना रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, इससे पहले भी हर समाज के लोग साथ रहे होंगे, इसी बात नहीं है, लेकिन उनको सबने विश्वास किया था, तब तो जीते। नित्यानंद राय जी क्या है, हम उधर ही जाना चाहते, कौन उनको मानने वाला है। जब मेरे कहने का मतलब यह है कि काम अच्छा होना चाहिए, मैं जाति बात नहीं करता हूं, मैं किसी को टिप्पणी नहीं करना चाहता, आलोचना नहीं करना चाहता। जिस नेता के नेतृत्व हम काम करते हैं, आप भी जानते हैं उनका सोच क्या है, उनका यह सोच है प्रदेश को सबको लेकर चलने के साथ साथ विकास हो। तो आज जिसका आप नाम ले रहे हैं, मैं उनका नहीं विरोध करना, आलोचना करना चाहता हूं। नित्यानंद राय जी क्या है आप भी जानते हैं, कौन किसको मानता है आप भी जानते हैं, इसलिए मानता है कि देश का प्रदेश के प्रति किसकी अच्छी सोच है। नेता बताइए, हमारे यहाँ नहीं है, हमारी देखिए, हम उधर नहीं जाना चाहे, डाइवर्ट करना चाह रहे, मैं भी विकास की बात करता हूँ। आज हमारी नेता, हमारे नेता या हमारे लोग, कैबिनेट के लोग, तमाम मंत्री या गठबंधन के लोग, हम लोग विकास और देश को सवारने, देश को सींचने की बात करते हैं, उसको लेकर हम डिमांड हमारी है देश के अंदर। हमने ये कभी नहीं कहा कि जात और पात की बात, मैंने तोड़ने की बात नहीं की, मेरा इतिहास है,
मेरे नेता का इतिहास है, जोड़ने वाले हैं और जोड़ का काम करने वाले हैं, ये दुनिया जानती है। एमवाई के समय कहीं चोट नहीं पहुंच रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं है। उनके पार्टी में नित्यानंद राय साहब थे ना, कहे और दस चोट मिल जाएगा क्या उनको, उसे उधर नहीं मिल जाना चाहता। मेरा एक ही है कि हमारे नेता का जो सोच है सोच मुताबिक हम लोग चलने वाले हैं। हम जात की बात नहीं करते, जमात की बात करते हैं। बिहार के अंदर देश के जितने भी समाज रहने वाले हैं सब हमारे हैं, इसलिए हम लोग विकास की बात करते हैं, सबको लेकर चलने की बात करते हैं। वो समझ चुके हैं कि हमारे नेता चल चुके हैं, देश में परिवर्तन होगा, ये लोग डर गया है। आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं कि 24 परिवर्तन होगा, हमारे नेता के हाथों से झंडा लहरेगा दिल्ली के। जमा खान को आपने सुना किस तरीके से साफ तौर पर भाजपा पर जमकर हमलावर होते हुए नजर आ रहे थे, कहते नजर आ रहे थे कि ये कोई भी कार्ड खेल ले ऐसा करते ही रहते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। वहीं नीतीश कुमार जो यूपी में रैली करने वाले हैं उसको लेकर भी कहते नजर आए कि जो वाराणसी में रैली होने वाली है ये तो केवल अभी अंगड़ाई है, और इतने में ही उन लोगों का, विरोधियों का पसीना छूटते नजर आ रहा है। इसी वजह से ये लोग कई तरीके के कार्ड खेलने की कोशिश में है, लेकिन इसका कोई भी फायदा आने वाले चुनाव में नहीं होने वाला है, इसका कोई भी फायदा बिहार पर नहीं पड़ेगा। खास करके 2024 के आम चुनाव में भी आप देखिएगा किस तरीके से जो सरकार है उसमें परिवर्तन होता है, और जो जेडीयू के नेता है वही दिल्ली में झंडा गाड़ने का काम करेंगे भाजपा पे निशाना साधते हुए। और क्या कुछ कहते नजर आए अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान, ये हमने आपको अभी सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।